गनबारी मासू। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है आई विल डू माई बेस्ट। वेल जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो होने वाला है एक बेहद पॉपुलर जापानीज सीरियल के बारे में, शो के बारे में, जिसका नाम था तकेशीज कैसल। गाइज मैं अगर बात करूँ ना, ये मेरे बचपन का वन ऑफ माई फेवरेट शो था, एंड जो कि उस टाइम पे आ करता था अपने इंडिया में 1886 के आसपास ये शो स्टार्ट हुआ था हालांकि, एंड 1990 तक ये शो आया था। बट मैंने जब ये शो देखा था तो मैंने 2009-10-11 के आसपास मैंने शो को देखा हुआ, एंड आई फेल इन लव विद दिस शो। यार मतलब क्या शो था, मतलब एक तो जावेद जाफरी की कॉमेडी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती थी, दूसरे वो जो टास्क होते थे ना, मतलब एक ट्रेनिंग टाइप में होता था ये, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट उस टाइम पे क्या होता था कि ये शो बहुत लेट आया करता था, ये 10-11 बजे के आसपास आया था, एंड आई वॉज अ किड एट दैट टाइम, और हमारे घर वाले इस शो को देखने नहीं देते थे क्योंकि वो देर रात तक मेरे को जागने नहीं देते थे। लेकिन मैं कुछ भी करके, कोई भी जद्दोजहद करके 10-11 बजे तक जागता था और इस शो को देखता था बिना अपने घर वालों को बताए। सो ऐसे क्या रीजंस रहे भाई जिसकी वजह से जो ये शो था इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में, एंड क्या वो रीजंस रहे जिसकी वजह से ये शो पोगो टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया, पोगो टीवी से हटा दिया गया। आई डोंट नो कि अभी भी ये शो आ रहा या नहीं आ रहा। शो अभी भी पोगो पे आता है ना, प्लीज़ लेट मी नो। ऑल्सो मैं बात करूँ भाई, ये शो जो है ना 1886 में स्टार्ट हुआ था। कैन यू बिलीव दिस, मतलब इतनी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट जो था 1886 के टाइम पे आया था, और 1990 तक ये शो आया था, जहाँ पर शो ने लगभग 150 के करीब एपिसोड्स निकाले थे, एंड विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एट द टाइम। यार मतलब आज के टाइम पे 150 एपिसोड किसी भी शो के लिए बड़ी बात नहीं, लोग कई कई हज़ार एपिसोड निकाल के जा रहे हैं, कई कई साल तक चल रहे हैं शोज़। बट यार उस टाइम पे 80s के दशक में यार शो ने 150 सक्सेसफुली एपिसोड्स निकाले थे, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा था ये शो जापान में भी, इंडिया में भी, और दूसरे कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। एंड यार सवाल आता है कि भाई ये शो बंद क्यों हुआ था, आखिर क्या वो रीजंस रहे जिसकी वजह से इसे टीवी से बंद कर दिया गया था, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बावजूद शो को बंद किया गया था। वेल आपको बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश की कि भाई आखिरकार ये शो बंद क्यों हुआ था इंडिया में, क्यों आखिरकार बैन हो गया था। तो आपको बताना चाहूँगा, इसके बैन होने का रीज़न जापान के साथ ही है। इसके बैन होने का रीज़न जो है वो जापान ही जानता है, क्योंकि ये एक जापानीज शो था जो कि हिंदी में डब किया गया था। सो जापान ने इसको इंडिया में बैन कर दिया था। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या ये सिलसिला यही ख़त्म हो गया था इस शो का? नहीं, आपको बता दें इस शो को कई बार बनाया गया दूसरे देशों में भी, लाइक फिर चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर वो वियतनाम हो या फिर सऊदी अरबिया ही क्यों ना हो, इन देशों ने भी अपना खुद का जो तकेशीज कासल था वो बनाया था। बट यार वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो जो ओल्ड वाले में बात थी ना वो इन शोज़ में नहीं थी। एंड बात करें 2017 की, तो 2017 में एक बार फिर से शो को बनाया गया था जापान के अंदर। बट गाइज द थिंग इज कि उसे इंडिया में अभी लॉन्च नहीं किया गया है, अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। अभी देखते हैं भाई जापान वाले इंडिया में लॉन्च करते हैं नहीं करते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप लोग तकेशीज़ कासिल के फैन थे एंड आप लोग भी शो को देखते थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक छोटा सा काम और कर देना, आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो किसी भी शो, किसी भी टीवी शो के बारे में, अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना।